भारत की शानदार जीत के बाद हर भारतवासी बेहद उत्साहित है। जिस तरह का मैच कल हुआ, सबको जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं, पहले तो डर बना रहा, लेकिन जब इंडिया ने मैच जीता उसके बाद मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो काफी ज्यादा खुश ना हुआ होगा, अपने घरों से निकलकर उन्होंने जश्न नहीं मनाया होगा। लेकिन मैच के बाद एक और बड़ी बात ये भी है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट का फैसला लिया है। जाहिर तौर पर उनके जो फैंस हैं उनमें एक निराशा का भाव तो है ही, क्योंकि जब अपने प्लेयर्स को ग्राउंड पे देखते हैं तो एक जोश बना रहता है, लेकिन अब वो ग्राउंड पे T20 के मैचेस के लिए नहीं खेलेंगे। मैं फिलहाल ग्राउंड पर ही मौजूद हूँ, कई सारे प्लेयर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि मैच की जीत को लेकर उत्साह तो है ही, लेकिन जो दो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके रिटायरमेंट को लेकर वो क्या सोचते हैं। आप लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि आज का दिन हम लोगों के लिए, आज की सुबह बहुत खास है क्योंकि कल इतना अच्छा मैच हमने जीता, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा अब T20 के ग्राउंड पे मैचेस के लिए नहीं दिखेंगे, कैसे देखते हैं आगे इंडियन क्रिकेट को इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा सभी इंडियंस को कि हम कल जीते और आई होप हम नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतें। लेकिन जैसा कि विराट और रोहित ने कल रिटायरमेंट लिया तो हम लोग तो वैसे वेट करते थे उनकी बैटिंग का कि वो कब आएँ बैटिंग करें, हम लोग देखें, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो आउट हो गए तो हम लोग बंद कर देते देखना कि यार विराट कोहली तो आउट हो गया, अब कैसे देखें। तो ठीक है, लास्ट मैच में विराट कोहली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक अच्छे नोट पे उन्होंने अपना T20 करियर एंड किया, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, थोड़ा दुख तो रहेगा कि अब विराट कोहली को हम T20 में नहीं देख पाएंगे और रोहित शर्मा को भी कहीं ना कहीं। देखिए, एक रोहित शर्मा ने बोला था, मुझे अच्छे से याद है मैच के पहले, कि विराट इज सेविंग इट फॉर द फाइनल। अच्छी पारी रही, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद वो अचानक से T20 दोनों ही छोड़ देंगे साथ में, दोनों बेस्ट क्रिकेटर्स। आप लोगों को किस तरह का लगता है, क्या हो सकता है? एक्चुअली जो कहते हैं कि खिलाड़ी की जब जो रिटायरमेंट जब लेना चाहिए जब वो पीक पर हो, जब अपनी, तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इस बार पीक पर थे। विराट कोहली ने, मुझे लगता है इस पर फिटनेस पर बड़ी ध्यान देते हैं, तो 5-1 साल मुझे लग रहा है कि और दे सकते तो कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि अब देखेंगे आपके ODI में और टेस्ट क्रिकेट में हम उनको देखने, उनकी बैटिंग देखने का मौका मिलेगा हमें। T20 में कितनी कमी खलेगी दोनों ही क्रिकेटर्स की? बहुत ही ज़्यादा कमी खलेगी, जिस तरीके से हमने फाइनल मैच देखा, बहुत ही क्रूशियल प्ले रोल अदा करा था विराट कोहली ने, एक एंड पे खड़े रहे थे जबकि नॉक स्ट्राइक एंड पे विकेट गिरे जा रहे थे, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट विराट कोहली कि भाई उन्होंने पारी को संभाला और एंड में जो रन रेट कम हुआ था तो उनको बाकायदा बरकरार रखा। आप कितना मिस करेंगे, मतलब मुझे लगता है कि विराट कोहली का एग्रेशन मोड को हम फील्ड पे कितना ज़्यादा मिस करने वाले हैं? मिस तो हम बहुत ज़्यादा करेंगे, बट ये भी देखा जाए कि वैसे उनका फैसला मेरी तरफ सही है, जैसे कि अब क्रिकेट में देखते हैं हम कि अगर जैसे कोई प्लेयर जैसे बहुत ज़्यादा चल रहा है, अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, तो ये थोड़ी सी मोनोपोली भी हो जाती है मेरे, अगर मेरे व्यू पॉइंट से देखें कि मतलब उन्हीं को चांस मिल रहा, तो न्यू इमर्जिंग प्लेयर जो है तो उनको चांस नहीं मिल पाता, जैसे अभी सूर्य कुमार हैं, हार्दिक पांड्या हैं, इन लोगों को चांस मिल रहा है, और शमी है, जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो इनका भी सामने आना ज़रूरी है, तभी हम न्यू प्लेयर्स के लिए भी मतलब थोड़ा मतलब अपनी फैन बिल्डअप बना पा सकेंगे। वो भी वैसे कमी तो खैर बहुत ज़्यादा रहेगी, विराट कोहली का जो जोश है जो स्टेडियम में वो तो मिलेगा नहीं अब कभी। हम देखते हैं कि जब विराट कोहली, हम इंतज़ार करते हैं कि कब विराट आए और विराट संभाल लेगा मैच, अभी पिछले समय में ऐसा हो गया था धोनी के बाद, तो क्या लगता है कि अब किस पर भरोसा करेंगे और कितना ज़्यादा जो है ये प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? जी मैम, मेरे हिसाब से तो अभी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि आगे इंडियन टीम को सपोर्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये जैसे हम विराट कोहली को जानते हैं कि वो एक पिलर हैं हमारे इंडियन टीम के, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रह चुके हैं, मतलब अभी भी हो सकते हैं अगर वो अपना कुछ सोचे, लेकिन आने वाले इमर्जिंग प्लेयर्स को भी मौका मिलना चाहिए और उनका डिसीजन बहुत सही है। जी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया, लेकिन हम लोग जैसे बचपन से क्रिकेट फॉलो करके आ रहे हैं तो बहुत से प्लेयर्स ने रिटायरमेंट लिया है इस साल, जिनकी वजह से क्रिकेट देखने का जो हमारा जो मोटिवेशन रहता था, जो जोश रहता था, वो थोड़ा सा कम तो होगा, जैसे कि डेविड वॉर्नर हो गए, डिकॉक हो गए और बेन स्टोक्स, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने इस साल रिटायरमेंट लिया है। तो क्रिकेट ओवरऑल क्रिकेट में देखें तो बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स ने रिटायरमेंट लिया और हमारे लिए तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन और थोड़ा सा सैड तो है।